नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश मानंद आपका लाइव शो में स्वागत करते हैं। दोस्तों ये जो भाग है नौवा भाग है प्रार्थना का, और ये भाग जो है विशेष करके उपवास प्रार्थना के विषय में है। हम उपवास तो करते हैं, लेकिन उपवास से हमें क्या मिलता है? ठीक है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उपवास करो, उपवास करके भी प्रार्थना किया जा सकता है, लेकिन बेहतर है कि बिना उपवास के हम भी प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। लेकिन कुछ कुछ लोग है उपवास रखते हैं और उपवास की प्रार्थना बोल करके वहाँ एकत्रित होते हैं और उपवास की प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो आज जितने भी हम सभी उपवास रहते हैं, तो उपवास रहते समय कैसे प्रार्थना करना चाहिए, ये सारी बातें आज हम सिखाएंगे आपको। तो आइए आंखों को बंद करें और अपने हाथों को जोड़ते हुए परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। जिस प्रकार से हम उपवास है तो उपवास के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान जीते सामर्थ्य पिता परमेश्वर, फिर से एक बार तेरे शुक्रगुजार करते हैं पिता, और धन्यवाद करते हैं ये मौका तूने हमें दिया है पिता। शरीर तो नाशवान है पिता, और शरीर को हम एक न एक दिन यहाँ छोड़ करके चले जाएंगे पिता, हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा। इसलिए पिता परमेश्वर हम उस आत्मा को स्थिरता करने के लिए, अपने जीवन में नम्र दीन बनाने के लिए अपने आप को, और अपने आत्मा को मजबूत करने के लिए, और तेरे वचन में स्थिर होकर चलने के लिए हम अपने शरीर को पिता परमेश्वर उस भोजन का उपवास किए हैं मेरे परमेश्वर, और इस उपवास में तुझसे प्रार्थना करते हैं, तुझसे मन्नत मांगते हैं मेरे परमेश्वर कि हमें पिता तेरे वचनों में आगे बढ़ा पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, आज बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर कुछ ना कुछ किसी न किसी कारणवश उपवास है मेरे परमेश्वर, उनकी एक एक मन्नत है पिता। जिस प्रकार से मेरी मन्नत है कि पिता बस मैं तेरे इच्छा अनुसार चलने वाला बन सकूं, और जब तक जीवित रहूं स्वस्थ रहूं और तेरे कार्य के लिए आगे बढ़ते रहूं पिता, उसी प्रकार से आज बहुत सारे लोग उपवास हैं मेरे परमेश्वर। उन सभी उपवास रखने वाले भाई और बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। उनके जीवन में एक एक मन्नत है पिता, एक एक इच्छाएँ हैं पिता, जो सारी इच्छाओं को पूर्ण कर, चाहे वो तेरे इच्छानुसार चलना चाहते हों, चाहे वो उनके परिवार में कोई समस्या हो, चाहे उनके निजी जीवन में कुछ समस्या हो, सारे बातों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं। और पिता, जब तेरा वचन कहता है कि जब तू उपवास करे तो किसी को ना बताना कि मैं उपवास कर रहा हूँ, हाँ मेरे परमेश्वर। और तेरा वचन ये भी कहता है कि जब तू उपवास करे तो जब हम अपने सर को मतलब कंघी लगा करके और अपने शरीर को स्वस्थ बना करके बैठे रहें, हमको दिखावा नहीं करना है, हाँ मेरे परमेश्वर। तो इसी कारण पिता परमेश्वर हम दिखावा नहीं करना चाहते हैं पिता, लेकिन जितने भी भाई बहन जो उपवास रखते हैं पिता, उन्हें ये शिक्षा मिलने पाए और ये पिता ज्ञान उनके जीवन में होने पाए पिता, हाँ मेरे परमेश्वर। तेरे इच्छा अनुसार वो अपने उपवास को रखने वाले बन सके और तोड़ने वाले बन सके, वो तेरे राज्य में शामिल हो सके। और पिता, जो भी उनकी ज़रूरतें हैं पिता, सारे ज़रूरतों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, क्योंकि उपवास जो है हमें नम्र और दीन और दयालु बनाता है पिता, हाँ मेरे परमेश्वर। हालांकि एक समय के लिए या दो समय के लिए हम उपवास रख लेते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है पिता, लेकिन हम अपने जीवन से पिता खाना को त्यागते हैं, भोजन को त्यागते हैं, और उसे हम उपवास कहते हैं पिता। उसी प्रकार से पिता हम अपने जीवन से बुराई को त्यागते हैं, ये बुराई वाला उपवास हमारे जीवन में पैदा होने पाए मेरे परमेश्वर, बुराई को त्यागने वाली उपवास पैदा होने पाए, गलत विचारों को त्यागने वाली उपवास पैदा होने वाली बन सके पिता, व्यभिचार को त्यागने वाली उपवास पैदा होने वाली बन सके मेरे परमेश्वर। और पिता, हमारी बुरी लालसाएँ और बुरी अभिलाषा को त्यागने वाली उपवास पैदा होने वाला बन सके मेरे परमेश्वर, हाँ पिता प्रार्थना करते हैं। ये उपवास करने के लिए हमें शक्ति और सामर्थ्य दे पिता, क्योंकि हम तो सांसारिक उपवास पेट खाली करके रख लेते हैं, वो तो हमारे ऊपर है, हमारे हाथ में है पिता, लेकिन क्या हम अपने अभिलाषा से त्यागने वाली उपवास कर सकते हैं पिता? अपने अभिलाषा को त्यागने वाली, अपने बुरी लालसाओं को, अपने आचरणों को त्यागने वाली उपवास कर सकते हैं क्या पिता? तू हमें सामर्थ्य दे, शक्ति दे, हम विश्वास करते हैं कि ये सारे बुरी अभिलाषाओं को त्यागने वाली उपवास हम करने वाले बन सके पिता, हम कर सकते हैं पिता। तेरे प्रिय पुत्र के लहू के द्वारा तू हमें शुद्ध कर, हमें पवित्र कर, हमें ताकत दे, सामर्थ्य दे पिता, वो ऊर्जा दे पिता। जिस प्रकार से तेरे प्रिय पुत्र ने 40 दिन और 40 रात उपवास था मेरे परमेश्वर, हाँ पिता, उसी प्रकार से हम भी उपवास करके, ना कि 40 दिन, ना कि भोजन का, बल्कि पिता हम अपने जीवन भर इस उपवास को करते रहें पिता, और सारे दुर्गुणों को, सारे व्यभिचार को, सारे बुराई को, सारे गलत को,
सारे बुराई आचरणों को, सारे अभिलाषाओं को, जो बुरी अभिलाषाएं हैं, जो बुरी लालसा है पिता, उन सभी को हम त्यागने वाले बन सके, ना कि भोजन त्यागने वाले पिता। क्योंकि भोजन त्याग कर हम तो अगले दिन फिर खा लेते हैं, लेकिन ऐसा उपवास हम करें जो तेरे राज्य में हमें शामिल होने का मौका दे पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता, हमें वो शक्ति प्रदान करो। जितने लोग ये देख रहे हैं वीडियो, उनके उपवास का फल उन्हें प्रदान कर पिता, उन्हें आशीष दे, उन्हें सिखा पिता। सारे बातों को हम तेरे हाथों में सौंपते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मदर मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए, आमीन। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमें उपवास करना है। हमें ऐसा उपवास नहीं करना है कि बस खाना खाए तो पेट भर गया और खाना नहीं खाए तो वो उपवास कहलाया। हमें एक ऐसा उपवास करना है जो हमें आत्मिक शक्ति दे, सांसारिक अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए, किसी को चंगाई प्राप्त करवाने के लिए, अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए हम मन्नत मांगने के लिए उपवास रखते हैं। लेकिन जिस प्रकार से हम भोजन त्याग करके उपवास करते हैं, उसी प्रकार से बुराई त्याग करके उपवास करें, उसी प्रकार से बुरे आचरण त्याग कर उपवास करें, व्यभिचार त्याग कर उपवास करें, हैं, अपशब्द या गालियां त्याग कर हम उपवास करें, हैं, हमारी लालच को त्याग कर हम उपवास करें, हमें बुराई बुरी अभिलाषा को त्याग कर हम उपवास करें। तो ये होता है ओरिजिनलिटी उपवास, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से वचन हमें सिखाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हम अलविदा लेना चाहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।